आज को एनेमिया प्रोग्राम है तो पंचायत भवन में होने वाला है। हम लोग सोचे कि अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में करेंगे, लेकिन ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा ये बोला गया कि आप अपने सेंटर HSC में नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम को, तो हम लोग करेंगे पंचायत भवन में। तो चलिए पंचायत भवन हम लोगों के साथ। जोर से बोलना होगा इसको। हाँ वहाँ पे दवा ले लीजिए, इसके बाद इसका 25 सबका ही कर लेंगे, ठीक है। रुके ना, अभी पार्वती जो बाइक से आई हो तो अभी आई, रुक ना, लोग पहले से बैठिए ना, है ना। एज कितना देंगे? 17 वर्ष। क्या है? OBC? पापा का नाम? जाओ मैं टेस्ट करा। पापा का नाम, एज बताओ। 17 बोलो। लग रहा हुआ है किरण किरण कुमारी। अच्छा, उम्र कितना लिखा है वो? 15। ST। और पापा का नाम? गोविंद। ब्लड टेस्ट करा और बताना। वहाँ पे शिला पे जांच हुआ था अभी ना? राय क्या चीज में आ जाता है OBC में? हाँ।
इसमें लीला देवी वहाँ ब्लड टेस्ट कराइए और फिर यहाँ एकदम खाने पीने में ध्यान दीजिए। अभी तो आपका साथ आपका आप जो भी खा रहे हैं उसके साथ साथ आपके बच्चे वही खाना खा रहे हैं ना, तो डबल खाना खाना है या पौष्टिक चीज खाना है, क्या क्या खाना है उसमें? अगर एक साथ तो ढेर नहीं बोलते खाने, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाते रहना है। हर दाल, पत्तेदार सब्जी, मछली, अंडा, गुड़, अंकुरित गेहूं, चना, और कम से कम दिन भर में 16 गिलास पानी पीना है। प्यास ना लगे तो मुंह में थोड़ा सा मीठा चीज डालिए, लड्डू डालिए या गुड़ डाल लीजिए, एक गिलास अपने पानी प्यास लग जाएगा। गुड़ डालिएगा, गुड़ से आपका आयरन भी हुआ। और इस टाइम एकदम खाने पीने में खूब ध्यान देना है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी उसी पे विकास हो रहा है ना, इसीलिए 8 ग्राम अभी नहीं रहना चाहिए। और सलाद उलाद खाना है, बीट खाना है, बीट थोड़े कोई 100 रुपया या 80 टका किलो, 35 रुपया के जी है बीट, है कि नहीं? 35 रुपया के जी सस्ता चीज है, उससे ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फल थोड़े कोले खाने, और हरा साग सब्जी खाइए। बिहार में तभी कितना अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है, सब खाइए उस सब। प्रणाम दीदी। प्रणाम। इधर कुछ से भी कह दीजिए, बता देगी खाने पीने का क्या क्या खाना चाहिए। गर्भवती को थोड़ा सा बता दीजिए। गर्भवती माता को जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मुंह धो करके अपना फ्रेश होकर के कुछ नाश्ता के रूप में ले लेना चाहिए, जैसे जो उसका घर में उपलब्ध है। खाली पेट नहीं रहना चाहिए, बिस्किट हुआ पानी पीजिए, कुछ थोड़ा देर के बाद फिर थोड़ा कुछ खा करके फिर पानी पीजिए, ऐसे करके ही बार बार मतलब 1-1.5 घंटा के अंदर में उसको मैंने लेना है। फिर जैसे खाना बनता है तो खाना में दाल भात सब्जी, हरा सब्जी हम लोग के यहाँ तो जैसे कि पपीता हुआ, सहजन का साग हुआ, अभी कदीमा फल, कदीमा का फल लग रहा है सबके यहाँ, कद्दू, कदीमा, झिंगली, अंकुरित सामान जैसे हम लोग के यहाँ अभी मूंग होता है, मूंग भी हो रहा है और घंघरा भी हो रहा है, इस सब में बहुत विटामिन है, ये सबको भी लेना चाहिए। गुड़, चना सस्ते में आपका बीट है, टमाटर तो बहुत महंगा है, उससे अच्छा बीट है। तो देखिए आप सेविका दी भी इन लोग को जानकारी दे रही है कैसे क्या खान पान होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से वो बता रही है। और इनका हीमोग्लोबिन देखिए 8 ग्राम है, तो इनको तो बहुत ही जरूरी है। कौन है इसका सहिया? पटनी। इसको लेके आप रेफरल जाइएगा, हम यहाँ पर्ची में लिख दे रहे हैं, इसी का ना हम लोग ब्लड का अंतर रिपोर्ट दिए थे, तो आप लेके नहीं गए थे? काहे नहीं सुन रही है तुमको? पिछले तुम्हारा रिपोर्ट गया, हम लिख के दी कि तुम्हारा ब्लड कम है, चिट्ठा बना दिए, इसके बावजूद भी तुम नहीं गई, जिला रिपोर्ट मेरा नहीं गया। हाँ, इस तरह से तुम्हारा अभी देखो, तुम्हारा कम से 6 ग्राम बोला ना, तब 7 ग्राम डेंजर है, 6 ग्राम है, और तुम्हारा बच्चा को तुम कैसे जन्म देगी, और बच्चे का विकास कैसे होगा? यहाँ नहीं रहेंगे, तुम यहीं पर भी रहेगी बाबू, तुमको पहले अपना शरीर का जो तुम्हारे में कमी है उसको तो पूर्ति करो, इसके बाद तुम मायके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो जरूरी है वो तो करना है ना, तुमको हम लिख के दे रहे हैं, तुम जाएगी। इस तरह से बाई चांस तुमको ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ हो जाएगा तो फिर चलने फिरने से क्या होगा, तुम सोचिए हम चल फिर रहे हैं, हम ठीक हैं, ऐसा नहीं है। खत्म होगा फिर तुम लोग लेगी। हाँ, कोई दिक्कत रोज खाना चाहती है दीदी, आप किसी और से खिंचवाइए ना दीदी। हाँ हाँ, कहाँ चले गई सेविका? सब सब इधर आइए, सब आइए, सब को इधर। एनीमिया जांच का यहाँ चल रहा, किशोरी और गर्भवती का साथ में ही, तो आज
प्रोग्राम रखा गया है डीसी सर के आदेश अनुसार, तो आज ये प्रोग्राम हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बारा टाण में हो रहा है। तो सभी सहिया और सेविका लोग और लाभार्थी को लेके आई हुई, लाभार्थी बहुत सारी चली गई, ये लास्ट टाइम का है ये फुटेज, तो सबको आई हुई है। तो आप सबों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे गर्भवती लोग और किशोरी लोग आई और काफ़ी भीड़ रहा हम लोगों का। उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इतना ही भीड़ था कि हम लोग नहीं कर सके, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तो आज के ब्लॉग को मैं ही यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मैं किसी नए ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।